हेलो गाइस, जय माता दी आप सभी को। और यह है पार्ट थ्री। तो चलिए पार्ट थ्री की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए जय माता दी जरूर लिख देना, ताकि हमें पता चल जाए हमारी वीडियो कौन कौन देख रहा है और कहाँ से देख रहे हैं, ये भी लिख दीजिएगा। तो गाइज़, ये है हमारा यात्रा का लास्ट पार्ट, जिसमें हम ऊपर गए, दर्शन करके वापस आए। बट कुछ कुछ वीडियो हम शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है, वहाँ पे फ़ोन चलाना अलाउड नहीं है कई जगह। तो आप देखिए, फिर लास्ट में मिलते हैं हम आपसे। जय माता दी आप सभी को। लेटर दैट सेम इवनिंग गाइस, हम टाइम हो गया 5:22 हो चुके हैं और हम पहुँच गए चुके हैं अपने 5वें पड़ाव, हलवा प्रसाद, जहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाते हैं, प्रसाद लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। पहले प्रसाद ले लेते हैं, प्रसाद लेना जरूरी है, थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। दर्शन करेंगे फिर दिखाएंगे आपको, चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से। और यहाँ पे देखिए नज़ारा, देखिए गाइस यहाँ से बैक साइड व्यू, शायद कैमरा जज ना कर पा रहा हो बट व्यू बहुत अच्छा है। बाकी फोगी फोगी है इसलिए आपको दिख नहीं पा रहा होगा बैक। तो गाइस ये है एंट्री, चलते हैं अंदर और प्रसाद ग्रहण करते हैं। बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने प्रसाद लेने का। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, कई मैं रुका नहीं यहाँ पर। तो भाई यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं आप, पहले प्रसाद ले लेते हैं और समझ में आएगी। ये प्रसाद आपको यहीं बैठ के खाना होता है, बाहर लेके नहीं जा सकते, तो पहले ले लेते हैं। हाँ, बचाना भी नहीं है। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पर ये वाला, अभी देखते पता नहीं कब बनाइए। अच्छा, 10 साल हो गए मुझे तो देखते हैं, अभी लेते हैं प्रसाद। लाइन में लगे हैं, ज़्यादा रश नहीं है, थोड़ा ही है। तो गाइस लेते हैं और दिखाते हैं आपको, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ। लेते हैं फिर दिखाते हैं, मैं भी पहली बार ले रहा हूँ। पहली बार देखा तो मैंने है बट तभी आया नहीं अंदर। देखा है तुमने पहले? हाँ, लिखा है अंदर प्रसाद। अब खुद ये देखते हैं, दो रस्ते बन गए ना, तो काफ़ी। ये आ गया सीमा का नंबर और सीमा लेगी प्रसाद। थोड़े छोले और थोड़ा हलवा, बड़ा ही टेस्टी प्रसाद। तो गाइस हमें मिल चुका है प्रसाद, बड़ा ही टेस्टी। और हलवे की खुशबू, छोले की खुशबू इतनी आ रही है ना, बहुत ज़्यादा। ये सीमा का है, सीमा बना स्टेटस लगाने के लिए फ़ोटो खींच रही है और ये मेरा है। टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं आपको। खुशबू तो ऐसी ही लग रही है, बड़ा ही टेस्टी है। तो गाइस खा लेते हैं देसी घी का। अरे पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं, मतलब जय है माता दी। आप भी खाइए। अच्छा है, ना ही तो ये प्रसाद बाहर ले जाने देते हैं और ना ही छोड़ने देते हैं, सारा खाना होता है। अच्छी बात है, वेस्ट नहीं होता, अच्छी बात है। वैसे इतना स्वाद प्रसाद है, कोई बचा, कोई पागल ही होगा जो बचाएगा। मन कर रहा है और ले लूँ, मगर और लेने के लिए दुबई लाइन में लगना पड़ेगा। दिल्ली में लाइन में लगने का रिश्ते लूँगा, दर्शन करने। प्रसाद हम खा रहे थे, यहाँ पे दो जो घोड़े लेके जाते हैं वो मिले, बड़े ही मेहनत करते हैं, हमसे यही बात करते हैं कि क्या है इनका। तो ये कह रहे हैं कई बार एक दिन में एक दो चक्कर भी लग जाते हैं। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत आप लोगों को यात्रा कराते हो। तो यात्रा कराते हैं भाई, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और हम तो चल नहीं पाते, कभी कभी आते हैं बट ये रोज यात्रियों को लेके जाते हैं, लाते हैं, मेहनत करते हैं बहुत। अमनाथ मेरा भाई हो गया ख़त्म, सीमा थोड़ा बहुत रह गया, खा लिया, चलते हैं और यात्रा करते हैं। प्रसाद हमने खा लिया और एकदम से ना अंदर गए थे, सब चीज़ें ठंडी थी, ठंड हो गई है ना, हवा चल रही है बहुत तेज, ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। और उन्होंने हमें अच्छी अच्छी राय दी जो मिले थे। ये आ रहे पीछे, देखो ये आ रहे,
तो ये कह रहे हैं अभी 6 बजे की आरती होने के बाद मंदिर 2 घंटे के लिए बंद होता है, तो 2 घंटे के लिए मंदिर बंद हो जाएगा जब तक हम रास्ते में पहुंचेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं आराम से जाओ, 8 बजे तक मंदिर खुलेगा, जब दर्शन कर लेना। तो अब हमें जल्दीबाजी नहीं है, थोड़ी आराम से चलेंगे, इतने हम चाय पी लेते हैं, हो सके तो हम रात को ये दर्शन करके उतर जाएंगे। हाँ, नीचे रात को उतर जाएंगे, चाय पीते हैं और फिर धीरे धीरे चलेंगे। पांचवा पड़ाव था ये, आगे छठे पड़ाव पे रुकेंगे। था और निशुल्क, मतलब निशुल्क था, तो जिससे जो बन बंद बन सकता है उसके लिए उन्होंने दान पेटी पे रखी थी, तो हमसे भी जो बना हमने थोड़ा बहुत उसमें कंट्रीब्यूट। और ऐसी जगह देना भी चाहिए जहाँ पे फ्री भंडारा चल रहा है, जगह ही देना चाहिए लोगों को। चलते हैं, चाय लेते हैं, चाय पी लेते हैं, जब पूरे आराम से चलना है तो चाय भी पी लेते हैं। और गाइज चाय वगैरह लेनी हो तो आप साइन बोर्ड के इन शॉप से ले सकते हैं, यहाँ पे सारे सामान रीजनेबल रेट पे मिलेगा आपको। जो बाकी जो दुकानें हैं ना वहाँ पे आपको 10-5 रुपये फालतू देने पड़ेंगे हर सामान के लिए, बट यहाँ पे रीजनेबल रेट पे आपको सामान मिल जाएगा। हम एक बार फिर आ गए अंदर, क्योंकि बाहर हो गई है बुरा ठंड और हम पी रहे हैं कॉफ़ी। फैन लिए, ठंड हो गई बात बहुत ज़्यादा, गर्मा गर्म कॉफ़ी निकल दे और मैं भी टोपियों पर लगा लेता हूँ। तो गाइस ठंड बढ़ चुकी है और अंधेरा भी हो चुका है, देख रहे हो आप ठंड हो गई, कब कभी छुटने लग गई। अब एक बार चलते हैं और दिखाते हैं आपको, एकदम ही ठंड बढ़ गई गाइस। अब पहाड़ों में ऐसा ही होता है, धूप गई, धूप गोइंग, ठंड इन। फाइनली अब जाके भवन के दर्शन हमें हो गए हैं, बट अब हमें नीचे जाना है। मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, और इनके हो गया पैरों में दर्द, सर से दर्द शुरू हो रहा, पैरों में पहुँच गया है, बाकी हम पहुँच गया, फाइनली हमें भवन दिख गया है। तो मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से और नहीं चलेंगे, और फ़ोन भी चार्ज खत्म हो गया। अब मैं जो वीडियो करूँगा फ़ोन बंद होने के बाद सीमा के फ़ोन से करूँगा। गाइज कुछ पार्ट्स जो है हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ इतनी थी, जैसा कि मैंने आपको भवन दिखाया, तो हम चले गए थे वहाँ पे। उसके बाद हमारा जब हम भवन पे उतरे उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो गाइज हम कुछ भी कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। कोई फ़ोन भी हम ले रहे थे तो मिलिट्री जो लगी हुई थी वहाँ पे, फोर्स है बिग थम्सअप फोर्स का, तो उन्होंने हमें बोला कि पहले जमा वगैरह करा लीजिए वरना फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। फिर हमने अपना फ़ोन वगैरह जो भी हमारे पास सामान था, पर्स वगैरह, हमने लोकर में जमा कराने के बाद जो हमने दर्शन करे, दर्शन बहुत अच्छे से हुए हमारे, जब बाहर आए जैसा कि आप अब देखोगे, अब फिर हम चल रहे हैं भैरव मंदिर की तरफ, भैरव मंदिर की चढ़ाई करी। और गाइज आप यकीन नहीं मानोगे, हमने अप डाउन सुबह 12 बजे हमने यात्रा शुरू की थी और अगले दिन सुबह 7 बजे हम नीचे उतर गए थे, और ये यात्रा पूरी पैदल की है हमने, मैंने और सीमा ने दोनों ने मिलकर। बट नीचे जब हम उतर रहे थे तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 12:00 PM भैरवाव की एंट्री गेट में पहुंच चुके हैं, अंदर चलते हैं, शायद अंदर फ़ोन चलाना अलाउड नहीं होगा, जितना भी होगा उतना तो दिखाएंगे आपको। तो गाइस फाइनली भैरवाव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अंदर एंट्री गेट पे हैं। A few moments later सीमा ले रही है यहाँ पे विभूति, बाबा जी की विभूति ले ली है सीमा ने, माता के दर्शन और भैरव बाबा के दर्शन बहुत बड़े तरीके से हमारे हो चुके हैं। सीमा ने तो भैरव बाबा के 2 बार दर्शन किए हैं, तो इन्होंने पहले बार में देख नहीं पाए थे ढंग से, तो मैंने इनको भेज दिया ठस्से में कहीं और से जुगाड़ करके। तो चलते हैं अब सीधा मिलेंगे होटल, अपने रूम में जाके, अगर बीच में कुछ दिखाने लायक हुआ तो दिखा देंगे, वरना सीधा मिलते हैं अपने रूम पे जाके, और दिन का डंडा फिर दोबारा कोई ना कोई उठा के ले गया। तो चलते हैं सीधा रूम में जाके मिलते हैं अपने, और रास्ते में कुछ दिखाने लायक हुआ तो दिखा देंगे। मिलते हैं, बाय बाय, जय माता दी, जय भैरव की, गुड नाइट। The next morning. तो गाइस ये रिलैक्स पॉइंट, आजकल यहाँ पे ये सारी फैसिलिटी भी है, मसाज हो रही है, मसाज आपके जाए पॉइंट्स पे अपने आप बन जाओ, जब भी पॉइंट्स होते हैं पेन वाला, डिस्ट्रेस वाला, वो सारा रिलीफ होता है। और हमने काफ़ी लोग यहाँ पे करा रहे हैं, लाल के डैडी मेरे साथ ही बैठे हैं, हाँ देखो गर्दन पे
बैक पे भी हो रहा है और नीचे फीट पे भी हो रहा है। थोड़ा सा और करा ले गाइस, यात्रा हमारी समाप्त हो गई है और हम आ गए नीचे। और जैसा कि आपको मैं हमने सुबह दिखाया था जो आई कार्ड यात्रा की पर्ची टाइप का जो टोकन वगैरह जो भी कह लो वो मेरा था, उसके जमा कराने का टाइम आ गया। अब सीमा करेगी जमा, आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरा क्योंकि मैं हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सीमा जा रही जमा करने। डालो जय माता दी। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं बाहर, तो अभी थोड़ा बहुत चलना है और वहाँ से करेंगे हम ऑटो बस स्टैंड के लिए, वहाँ से देखते हैं दिल्ली के लिए कोई बस वगैरह है कि नहीं, घर भी पहुँचना जरूरी है तो उनको ऑफिस भी जाना है, काम भी संभालना है फिर हमें जाके, तो चलते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे होटल, तो होटल जाके करेंगे भी लोग को एंड, तो मिलते हैं आपको होटल जाके। और बस जैसा कि हमने कहा था कि हम होटल में पहुँच के मिलेंगे, बट हम नहीं सूट कर पाए, इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, थक गए थे बहुत ही बुरी तरह, फ़ोन हाथ में लेने की हिम्मत नहीं थी। गाइस मैं इतना फ़ोन चलाता हूँ, सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहता हूँ, कुछ नहीं चलाया मैंने, सीधा जाके बेड, वो सिर्फ कमरा जो रूम लिया था हमने होटल लिया था वो सिर्फ अपना बैग, जो हमारे पास बैग था जैसा कि हम फिरोजपुर गए थे तो सामान थे कपड़े वगैरह थे, जो होटल लिया था होटल में रूम लिया था वो सिर्फ बैग वगैरह रखने के लिए और नहाने धोने के लिए लिया था, बस वही वहाँ पे जाके पहुँचे हैं और बेड पे फ्लैट। वैसे प्लान था हमारा सुबह जल्दी जाने का दिल्ली आने का, होटल चेकआउट करने का, बट ऐसा हो नहीं सका, हम तो इतने ज़्यादा थके हुए थे। फिर हम वहाँ से उठे हैं 11 बजे हमने फिर तैयारी की जाने की, फिर हमें दोपहर तक खाना वाना खा के लंच करके घर निकल गए थे। तो यही ब्लॉग था गाइस, और कमेंट करके जरूर बताना ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, और गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये ब्लॉग इतना ही था, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना, जय माता दी आपके बिगड़े काम बनाए, और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, और ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे कल अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, बाय बाय, जय माता दी।